पानीपत दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोहाना मोड़ स्थित ब्रांडेड कपड़ों की सुविधा मॉल में आग लगने से कई करोड़ के ब्रांडेड कपड़े मौके पर ही जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार ब्रांडेड कपड़ों के मॉल में रात को 2 बजे धुआं उठा देखा गया, उसके तुरंत बाद आग बढ़ती चली गई। दमकल अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह 3:20 पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर जिले भर से दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में लग गई हैं। पुलिस अभी इस आग लगने के कारणों की जाँच में जुटी है। 2:30 हमारे पास सूचना आई थी कंट्रोल के माध्यम से, और उसी समय सारी प्रशासन को अलर्ट कर दिया था। सभी गाड़ियां हमने आसपास की गाड़ियों को भी फायर विभाग के माध्यम से गोरंडा से रिफाइनरी से और गोहाना से भी गाड़ियां आई और NFL से सभी गाड़ियां लगी हुई आई थी। तो ये कंट्रोल में है और 3:20 पे आग लगते हमारी फायर की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी थी। फिर हमने आग की सिचुएशन को देख कर NFL रिफाइनरी और गोरंडा करनाल और इधर सोनीपत से भी गाड़ियां मंगवाई हुई। अब हमारी यहाँ 13-14 गाड़ियां काम कर रही हैं। रात को 2 बजे ही हो चुका था, रात 2 आया था, बहुत कम था मैंने तो गार्ड से करवाया मालिक को फोन किया।